आपको जान, आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? आपको मैंने कहा था बेड पर रहिएगा जब तक मैं ना आ जाऊँ, पास आप किसी भी वक्त आते होंगे। आगुजान, आपने अपनी जगह बेड पर किसी और को लिटा दिया। अरे वाह मेरी आगुजान, क्या दिमाग चलता है उम्मीद की तरह। कहाँ लेटा? बस ये कसर रह गई थी, अब तुम हॉस्पिटल में एडमिट होगी। घर आओ, मैं तुमसे वहां बात करता हूँ। मेरी बच्ची, मैं डॉक्टर को बुला के लेके आता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, जल्द जिंदा हो जाए तो उसको घर लेकर आओ। ड्रामे सब और क्या। तौबा तौबा, यहाँ मैं रो रो के हलकान हो गई हूँ और तुम लोग की ड्रामेबाजियाँ खत्म नहीं हो रही। जिनत बस कर दो, हो सकता है बच्ची सहम के बेहोश हो गई हो। अरे तो खड़े खड़े उसका मुंह क्या देख रहे हो, जाकर डॉक्टर को बुलाओ। मैं कोई जरूरत नहीं है किसी को बुलाने की, उठो चलो घर चलो, अगली पेशेंट घर में ही होगी। अम्मी सच में बेहोश हो गई है उम्मीद। रहने दो, सब नाटक है, उठो उम्मीद, उससे पहले के पाशा साहब वापस आके तुम्हारे रह सहे होश भी ठिकाने लगा दे। उठो और घर चलो, आओ बाहर। उम्मीद मेरी बच्ची उठो। हाँ बेटा, तुम्हारी चची बिल्कुल ठीक कह रही है, ये बस कर दो बेहोशी का ड्रामा, एक्सपोज हो गया सारा। उठो चले आगू जान, चलो आया चलो आ जाओ। अरे अल्लाह मेरी बच्ची। अस्सलामुअलैकुम भाई, कैसे हो? कुछ ज्यादा लेट नहीं हो गया मीनू? आप मेरा वेट कर रहे थे भाई, वो असल में हॉस्पिटल में उम्मीद मिल गई। और आपकी उम्मीद साहब आप हॉस्पिटल में क्या कर रही थी? आप तो ये बात ना ही पूछे तो अच्छा, आपकी वजह से वो बेचारी हॉस्पिटल में एडमिट है। व्हाट, मेरी वजह से? जी, अभी 4 घंटे पहले अपने घर में बिल्कुल ठीक ठाक बैठी हुई थी। अच्छा, तो आप उससे मिलने चले गए और वो भी उसके घर पे? अरे मैं उससे मिलने क्यों जाऊंगा, उसकी आगोजान मुझे बाहर मिल गई थी तो बस मैं घर ड्रॉप करने गया, दैट्स इट। गुड, और वहां जाके क्या बोला आपने? मैंने क्या बोलना है, हाँ अभी कॉल आई थी, पता नहीं मुर्गी गोश्त गाड़ी की बातें कर रही थी, कोई रायता गिर गया था। वो गरीब की लड़की है भाई। भाई अजीब तो वो कभी भी नहीं थी और अब तो गरीब भी नहीं रही है, और वैसे भी नॉर्मली बीमारी में लोग ऐसी ही बातें करते, लेकिन आपको इस सब से का? अरे भाई बताओगी भी हुआ क्या है? आप एक काम करें ना, आप खुद ही पूछ लें उससे, नंबर तो है वैसे भी आपके पास।